हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने बी ए फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर का नेक्स्ट प्ले द स्लीप वॉकर्स। तो गाइस, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने प्ले की डिटेल्ड समरी। दिस प्ले इज अ सटायर ऑन द सो कॉल्ड लिबरल मॉडर्न एजुकेटेड मेन एंड वुमेन ऑफ इंडिया। जो प्ले है द स्लीप वॉकर्स, ये एक सटायर है, एक व्यंग्य है किसके ऊपर? ऑन द सो कॉल्ड लिबरल, जो उदारवादी हैं, सो कॉल्ड उदारवादी मॉडर्न एजुकेटेड मेन एंड वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्ले एक्सपोजेस द होलोनेस ऑफ द सो कॉल्ड एलीट क्लास ऑफ टुडेज इंडिया हु डिस्प्लेज एन एटीट्यूड ऑफ मेंटल स्लेवरी टू द अमेरिकन्स। जो प्ले है स्लीप वॉकर्स, वो एक्सपोज करता है, किस चीज को एक्सपोज करता है? द होलोनेस, जो खोखलापन है किसका? ऑफ द सो कॉल्ड एलीट क्लास। एलीट क्लास मीन्स अपर क्लास ऑफ टुडेज इंडिया, जो सो कॉल्ड अपर क्लास है आज के इंडिया की, उनकी उनके खोखलेपन को वो ये एक्सपोज करता है। Who displays an attitude of mental slavery to the Americans? जो किस चीज़ को दिखाते हैं? Mental slavery, मानसिक गुलामी को जो शो करते हैं, ठीक है, Americans के लिए। तो ये उनकी उनके खोखलेपन को ये प्ले एक्सपोज करता है। ठीक है, द प्ले इज सेट एट द रिसेप्शन कॉर्नर ऑफ द मुंबई एयरपोर्ट। जो ये प्ले है ये कहाँ पे सेट किया गया है, मतलब इस प्ले में कहाँ की बात की गई है? मुंबई एयरपोर्ट के रिसेप्शन की कहाँ वहाँ का सीन दिखाया गया है। ठीक है, व्हेन द प्ले स्टार्ट, जैसे प्ले स्टार्ट होता है, टू अमेरिकन्स, दो अमेरिकन्स, मिस्टर मॉरिस एंड हिज वाइफ अलाइट फ्रॉम अ प्लेन। मिस्टर मॉरिस और उनकी वाइफ प्लेन से उतरते हैं। टू अमेरिकन ऑफिशियल्स इन इंडिया, मिस्टर वेस्ट एंड हिज वाइफ आर ऑलरेडी देयर टू रिसीव द विजिटर्स। दो अमेरिकन ऑफिशियल्स इंडिया में, मिस्टर वेस्ट और उनके वाइफ पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हैं। किसके लिए? किस लिए? विजिटर्स को रिसीव करने के लिए। एंड ब्रिंग दम टू देयर ड्राइंग रूम, और उनको उनके ड्राइंग रूम तक पहुँचाने के लिए। दे इंट्रोड्यूस दम टू द इंडियन गेस्ट एट द रिसेप्शन पार्टी, वो उनको रिसेप्शन पार्टी में इंडियन गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। व्हेन दे एंटर द ड्राइंग रूम, जैसे वो ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं, ऑल द इंडियंस चैंट अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ अमेरिकन्स, सभी इंडियन, सभी भारतीय अमेरिकन्स की महानता के गुणगान करने लग जाते हैं। ऑल द इंडियन गेस्ट आर वेयरिंग मास्क ऑन द फेसेस, जितने भी इंडियन गेस्ट हैं वो सभी, उन सभी ने अपने फेस पे मास्क पहन रखा है, एक मुखौटा पहन रखा है। इट शोज दैट दे ऑल आर फॉनिंग अपॉन द अमेरिकन्स, ये किस चीज़ को दिखाते हैं, किस चीज़ को शो करता है कि वो सभी अमेरिकन्स की चापलूसी कर रहे हैं। ठीक है, एंड एज ह्यूमन बींग्स दे हैव नो सेपरेट आइडेंटिटीज, और एक ह्यूमन बींग्स होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते उनकी कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। मिस्टर वेस्ट इंट्रोड्यूसेस द इंडियंस टू मिस्टर मॉरिस एंड हिज वाइफ, मिस्टर वेस्ट इंडियंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, किन से? मिस्टर मॉरिस से और उनकी वाइफ से। मिस्टर मॉरिस इज द पब्लिशर ऑफ अ मैगजीन नेम्ड ब्लैंक, मिस्टर मॉरिस एक पब्लिशर है अपने मैगजीन के, मैगजीन का क्या नाम है? ब्लैंक। ही हैज कम टू इंडिया टू प्रमोट दिस मैगजीन, वो इंडिया में आए हैं अपनी इस मैगजीन को प्रमोट करने के लिए, इसका प्रमोशन करने के लिए। नाउ मिस्टर मॉरिस एड्रेसेस द इंडियंस, अब मिस्टर मॉरिस इंडियंस को एड्रेस करते हैं। ही टेल्स देम अबाउट द मैगजीन, वो उनको मैगजीन के बारे में बताते हैं। एज द नेम ऑफ द मैगजीन सजेस्ट, जैसा कि ये मैगजीन का नाम ही हमें बताता है, नाम क्या है मैगजीन का? ब्लैंक। इट एम्स एट मेकिंग पीपल्स माइंड ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स यहाँ पे विदाउट थॉट, मतलब कुछ भी विचार अपने माइंड में लेके ही मत आओ। ठीक है, ही सेज दैट द थॉट और द थिंकिंग प्रोसेस कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि जो थॉट है और जो थिंकिंग प्रोसेस है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रबल पैदा करता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा करता है। ठीक है, वी ऑल आर डिवाइडेड बिकॉज ऑफ आर थॉट्स, हम सभी अपने थॉट्स की वजह से आपस में बटे हुए हैं, मेरे कुछ विचार हैं, आपके कुछ विचार हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसीलिए देयर इज अनहैप्पीनेस इन आवर लाइव्स, इसीलिए हमारी जिंदगी में अनहैप्पीनेस है, दुख है। इफ वी डिस्करेज थॉट, अगर हम थॉट को डिस्करेज करते हैं, देयर वुड नॉट बी एनी डिविजन और वायलेंस अमंग द पीपल, तो फिर लोगों के बीच में कोई भी डिविजन नहीं होगा, कोई भी वायलेंस नहीं होगा, कोई भी हिंसा नहीं होगी। ठीक है, देन ऑल द पीपल विल बी डिसपर्सनलाइज, फिर सभी लोग डिसपर्सनलाइज हो जाएंगे। ही सेज दैट हिज मैगजीन ओनली डिस्क्राइब्स, वो कहते हैं कि मेरी मैगजीन केवल डिस्क्राइब करती है, इट डजंट से दैट समथिंग इज गुड और बैड, वो किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कहते, वो केवल बताती है। ठीक है, इट मेरली रिपोर्ट्स और प्रेजेंट्स इट, वो केवल इसको रिपोर्ट करती है और प्रेजेंट करती है। ठीक है, इन दिस वे, इस तरीके से द मैगजीन डिस्करेजेस आइडियाज, तो इस तरीके से जो मैगजीन है वो आइडियाज को डिस्करेज करती है। व्हेन द इंडियंस लिसन टू मिस्टर मॉरिस, जब इंडियंस, जो भारतीय हैं, वो मिस्टर मॉरिस को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, दे ऑल प्रेज हिम, वो सब उनकी तारीफ करते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम थिंक दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द मैगजीन, उनमें से कुछ सोचते हैं कि हम तो इस मैगजीन से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, व्हेन मिस्टर मॉरिस सेज दैट ही हैज 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मिस्टर रमन ऑफर्स हिमसेल्फ टू वर्क एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर दिस मैगजीन,
जब मिस्टर मॉरिस बताते हैं कि उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो मिस्टर रमन अपने आप को ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट आपके इस मैगजीन के लिए काम करूंगा, ठीक है। मॉरिस सेज दैट, मॉरिस कहते हैं कि ही विल ब्रिंग आउट एडिशंस इन इंडियन लैंग्वेजेस ऑल्सो। मॉरिस बताते हैं, कहते हैं कि वो अपने इस मैगजीन, जो मैगजीन का क्या नाम है, ब्लैंक, ब्लैंक के और भी एडिशंस निकालेंगे इंडियन लैंग्वेजेस में भी, ठीक है। एट दिस मिस्टर वर्मा ऑफर्स टू पब्लिश हिज स्टोरीज इन दिस मैगजीन। तो ये सब सुन के मिस्टर वर्मा अपनी स्टोरीज को ऑफर करते हैं कि आप मेरी भी स्टोरीज ले सकते हैं अपनी इस मैगजीन में। ही सेज दैट हिज स्टोरीज विल बी ग्रेटली सुटेबल फॉर इट बिकॉज देर इज नो थॉट इन हिज स्टोरीज। वो कहते हैं कि जो मेरी स्टोरीज है वो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल सटीक बैठेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगी, क्योंकि मेरे स्टोरीज में भी कोई भी थॉट नहीं है, ठीक है। मिस गांगुली इज बंगाली प्ले राइट, मिस गांगुली एक बंगाली प्ले राइट है। शी सेज दैट, वो कहती हैं कि दिस मैगजीन विल बी गुड फॉर बंगाल, ये मैगजीन बंगाल के लिए अच्छी रहेगी। मिस्टर कपूर सेज दैट अ मैगजीन विदाउट थॉट विल बी यूजफुल फॉर इंडियन वुमेन। मिस्टर कपूर कहते हैं कि एक मैगजीन, बिना विचार वाली मैगजीन भारतीय महिलाओं के लिए यूजफुल रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। प्रोफेसर शाह ऑल्सो सेज दैट, प्रोफेसर शाह ये भी कहते हैं कि इंडियंस हैव रीच्ड अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर थॉट इज अननेसेसरी, कि इंडियंस उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुके हैं जो थॉट है वो अननेसेसरी है, थॉट नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इन द मीन टाइम, इसी बीच मिसेज मॉरिस एंड मिसेज रमन हैव बीन टॉकिंग। मिसेज मॉरिस और मिसेज रमन आपस में बातें कर रही हैं। मिसेज मॉरिस लाइक्स मिसेज रमन साड़ी, मिसेज मॉरिस को मिसेज रमन की साड़ी पसंद आ गई एंड वॉन्ट्स टू वियर इट, वो उस साड़ी को पहनना चाहती हैं। देन गो अवे, दे गो अवे फॉर सम टाइम, वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली जाती हैं। व्हेन दे कम बैक, जब वो वापस आती हैं, दे हैव एक्सचेंज ईच अदर्स ड्रेसेस, उन्होंने एक दूसरे के ड्रेसेस चेंज कर लिए। मतलब मिसेज मॉरिस ने मिसेज रमन की ड्रेस पहन ली और मिसेज रमन ने मिसेज मॉरिस की, ठीक है। नाउ मिसेज मॉरिस इज इन अ साड़ी, अब मिसेज मॉरिस साड़ी में है एंड मिसेज रमन इन द वेस्टर्न ड्रेस, और मिसेज रमन वेस्टर्न ड्रेस में है। मिसेज कपूर टेल्स हर दैट हर साड़ी इज टू हाई, मिसेज कपूर उनको बताती हैं कि आपकी साड़ी बहुत ऊंची है। मिसेज शाह लीन्स फॉरवर्ड, मिसेज शाह नीचे झुकती हैं एंड गिव्स द साड़ी अ टग फ्रॉम बिहाइंड, और साड़ी को पीछे से खींचते हैं ठीक करने के लिए। एट द सेम टाइम, और उसी समय मिसेज कपूर गिव्स अ टग फ्रॉम द फ्रंट, मिसेज कपूर उस साड़ी को आगे से खींचती हैं। एज अ रिजल्ट हर साड़ी फॉल्स ऑफ, एज अ रिजल्ट उनकी साड़ी खुल जाती है, नीचे गिर जाती है। तो लेडीज स्ट्रीक, लेडीज चिल्लाती हैं एंड मैन केम फॉरवर्ड टू हेल्प देम, और पुरुष उनकी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। मिसेज मॉरिस गैदर्स अप द साड़ी एंड रन्स अवे, मिसेज मॉरिस अपनी साड़ी को समेटते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और भाग जाती है वहाँ से, ठीक है। नाउ वी कम बैक टू मिस्टर मॉरिस, अब हम मिस्टर मॉरिस पर वापस आते हैं। ही टेल्स द इंडियंस दैट देयर इज नो ह्यूमर इन हिज मैगजीन, वो इंडियंस को बताते हैं, वो भारतीयों को बताते हैं कि उनकी मैगजीन में कोई भी ह्यूमर नहीं है, कोई भी हास्य नहीं है। When we laugh at somebody or something, जब हम किसी पे या किसी चीज पे हंसते हैं, the person laughed at is separated from the person who is laughing at him, जिस इंसान के ऊपर हंसा जा रहा है और जो इंसान हंस रहा है, ये उन दोनों को सेपरेट करता है। दिस क्रिएट्स अ डिविजन बिटवीन देम, ये उन दोनों के बीच में डिविजन पैदा कर देता है, ये डिविजन क्रिएट कर देता है, भेद क्रिएट कर देता है, ठीक है। द लाफिंग ऑफ पीपल एट वन मे लीड टू नेशंस लाफिंग एट वन अनदर, इंसानों का एक दूसरे के ऊपर हंसना दो देशों का एक दूसरे के ऊपर हंसने की चीज को लीड करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, नेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल, ठीक है, इंसानों से ही देश बने हैं। तो अगर इंसान एक दूसरे के ऊपर हंसेंगे, एक दूसरे का मजाक बनाएंगे, तो ऐसे ही जो देश भी आपस में एक दूसरे के ऊपर हंसेंगे, उस चीज को लीड करता है। द लाफिंग ऑफ नेशंस कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, नेशंस का एक दूसरे के ऊपर हंसना कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, समस्या पैदा कर सकता है। ही सेज दैट लाफ्टर इज नॉट नेसेसरी फॉर पीस ऑफ माइंड, वो कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड के लिए, मानसिक शांति के लिए हंसना जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, ही हु डजंट लाफ नीदर शैल ही वीप, दस ही स्ट्रेसेस दैट देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूमर और लाफ्टर इन आवर लाइफ। तो वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में, वो स्ट्रेस डालते हैं, वो जोर डाल के बात कहते हैं कि हमारी लाइफ में लाफ्टर की, ह्यूमर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देन मिस्टर मॉरिस टॉक्स टू दीज इंडियंस अबाउट द प्रोफेशन, फिर मिस्टर मॉरिस इन भारतीयों से प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर शाह टेल्स हिम दैट ही डजंट प्रिपेयर नोट्स फॉर टीचिंग, प्रोफेसर शाह उनको बताते हैं कि मैं अपने टीचिंग के लिए, मैं पढ़ाने के लिए नोट्स प्रिपेयर नहीं करता। मिसेज गांगुली राइट्स प्लेस इन बंगाली फॉर विलेजर्स, मिसेज गांगुली गांव वालों के लिए बंगाली में प्लेस लिखती हैं, नाटक लिखती हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्लेस आर अबाउट फैमिली प्लानिंग, वो उनके मोस्ट ऑफ प्लेस किस चीज के बारे में होते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में होते हैं, ठीक है। She says that population in the villages is increasing because they have no other means of entertainment. वो कहते हैं कि गाँव में population इसलिए increase हो रही है because उनके पास और कोई भी entertainment का medium नहीं है, और कोई भी entertainment का साधन नहीं है। Mr. Morris says that, Mr. Morris कहते हैं कि one of his foundations will open night clubs in an Indian village.
वो कहते हैं कि उनकी कोई फाउंडेशन इंडियन विलेज में नाइट क्लब्स ओपन करेगी। इन द एंड अ वॉइस रिपोर्ट्स द विजिट ऑफ मिस्टर मॉरिस एंड हिज पर्पस। आखिर में एक आवाज़ आती है, हमें सूचना मिलती है कि मिस्टर मॉरिस यहाँ पे आए थे और उनका पर्पस क्या था, वो कैसे द इंडियंस वॉक इन अ सर्कल एज देयर स्लीप ओवर्स। जो इंडियंस गाइस एल है, इसको ई मत समझना, देखिए एल। The Indians walk in a circle as if they are sleepwalkers. Indians एक circle में घूमते हैं, circle में चल रहे हैं, जैसे कि वो sleepwalkers हैं, मतलब नींद में चलने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके हमें पता चला ना कि इस जो ये अपना play था, इसका sleepwalkers नाम क्यों था, ठीक है। दे चैंट टुगेदर, वो एक साथ जब करते हैं, एक साथ बोलते हैं, गिव अस दिस डे डेली अमेरिकन, हमें ये दिन डेली दिया करो अमेरिकन, ठीक है गाइज। तो गाइज ये था अपना प्ले द स्लीप वोकर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।